हम समर्पित करते हैं एक बार फिर से अपने मनों को अपने दिलों को अपने जीवनों को समर्पित करते हैं और इस सभा को भी प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं जिस प्रकार से प्रभु आज की विधि पूरी की जाए उससे तेरे नाम महिमा और जलाल प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम में अमीन अमीन आप सब बैठ सकते हैं सो so, आज हम जैसे जानते हैं कि सोनू भाई का आज पास्टरी अभिषेक है आज उनको पास्टर के तौर पे हम स्थापित करेंगे और इसलिए उनके जीवन को हमने दो से ढाई मिनट की वीडियो में बनाने की कोशिश की है जितने लोग ऑनलाइन हैं आप सब अपनी स्क्रीन पे इस वीडियो को देख पाएंगे और जो लोग हॉल में हैं वो सामने वाली स्क्रीन पर इस वीडियो को देख पाएंगे आइए हम सब अभी इस वीडियो को देखते हैं Yeah. परमेश्वर के वचन से सुनेंगे आज के दिन परमेश्वर क्या वचन देना चाहते हैं विशेष तौर पे सोनू को सुबानी को और हम सबको भी उस वचन को हम सुनेंगे और पास्टर अरविंद आज का वचन देंगे जो अंग्रेजी में इसे बोलेंगे और मैं हिंदी में उसका अनुवाद करूंगा हम पास्टर अरविंद से आज का वचन सुनेंगे ओके जय मसी की

हमें बहुत सारे बहुत अच्छे पास्टर्स की आवश्यकता है एंड इट्स हार्ड टू फाइंड गुड फास्टर्स और अच्छे पास्टर्स को मिलना बहुत बहुत कठिन है एंड सो वन वी फाइंड सम Who can be a, a good, godly, effective pastor? We rejoice and we praise God for it. And so we've been watching Sonu uh, for a long time now, and seeing his his progress, and we're so happy and thrilled that.

And for Subani and all of us can also listen in to what uh, God wants to say to them this evening as they take this major step in their lives. And I want to share from 1st Timothy chapter 4, if you have a Bible you can turn there, 1st Timothy chapter 4 and i love these books 1 timothy 2 timothy titus they're called the pastoral epistles aur pehla timothyus dusra timothyus aur titus ki kitab ye mujhe bahut pasand hai kyunki ye pastors ke liye bahut achhi kitabein hain paul is writing to a young pastor paulus ek naujawan pastor ko likhta and i'm also a young pastor there's so much to learn from what paul is saying to uh to pastors here aur bahut kuch hai jo hum pastors seekh sakte hain पॉलस जो पास्टर्स को कह रहा है उसमें से सो फर्स्ट थिमोथी चैप्टर फोर एंड विल आवर लास्ट पास्टर जॉय टू रीड फ्रॉम वर्सेस 12 टू 16 हम पहला तिमोथीउस उसका चौथा अध्याय 12 से 16 तक हम लोग उसे हिंदी में पढ़ेंगे इसमें लिखा है कोई तेरी युवावस्था को तुच्छ ना समझे परंतु तू वचन व्यवहार प्रेम विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा मेरे आने तक पवित्र शास्त्र पढ़कर सुनाने उपदेश देने और सिखाने में लगा रहे अपने उस वरदान से जो तुझ में है जो तुझे प्राचीनों के हाथ रखते समय नबूवत द्वारा प्राप्त हुआ था निश्चिंत निश्चिंत ना रहे इनके लिए प्रयत्नशील रहे और इन पर अपना पूरा मन लगा जिससे तेरी प्रगति सब पर प्रकट हो जाए अपने ऊपर और अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे और इन बातों पर स्थिर रहे क्योंकि ऐसा करने से तू अपने और अपने सुनने वालों के भी उद्धार का कारण होगा And so much just there, just in these five इन पांच पदों में ही बहुत कुछ है जो हम देख सकते हैं yeah, you uh, कहता कि, क्योंकि तू जवान है तो लोग तेरी जवानी को तुच्छ ना समझें। I just learned that Sonu was born in 1992 this evening. And so he's young, and there's a temptation that.

टीचिंग एंड प्रीचिंग रीडिंग द स्क्रिप्चर और तू अपने आप को वचन को पढ़ के सुनाने प्रचार करने वचन सिखाने में तू अपने आप को लीन कर ले मग्न कर ले ही सेस डोंट नेगलेक्ट द गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन यू और वो कहता है कि जो वरदान तुझे मिले हैं तू उसको तू उसको हल्के में मत ले ही सेस बी डिलिजेंट वो कहता कि तू बहुत ज्यादा परिश्रम बहुत ज्यादा मेहनत के साथ अपने वरदानों में आगे वो कहता कि सबको दिखना और हम बहुत लंबे लंबे प्रचार कर सकते हैं इनमें से किसी विषय पर भी लेकिन मैं तुरंत 16 पद में आना चाहता हूँ

फ्रॉम टिमोज मिनिस्ट्री जो पॉलुस है वो यहां पर इस बात को मानकर नहीं चलता कि हर कोई जो तिमोथियस की सेवकाई का भाग बनेगा हर कोई उद्धार पाएगा इन आई एम नॉटिंग तो ये भी कहता है कि बारे में भी नहीं पता मतलब पोलुस ये मानता है कि तिमोथियस तू भी पक्का नहीं कि तू भी उद्धार पाया हुआ है उट इन सेनी गुड पीपल हु क्योंकि पोलोस uh, और भी जगह पे इसके बारे में लिखता है कि वो लोग जो बहुत अच्छे से अपनी सेवा का आरम्भ करते हैं बाद में अपने विश्वास की उनकी नाव जो है वो टूट जाती है हाईमेनेस एलेग्जेंडर फिजुलस

स्टार्ट आउट वेरी स्ट्रॉन्ग इन मिनिस्ट्री एंड नाउ देर नो वे और मैंने अपने बीस सालों के जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने सेवकाई की शुरुआत बहुत अच्छे से धूमधाम से और बहुत अच्छे तरीके से अपनी सेवा की शुरुआत की लेकिन अब वो कहीं नहीं है एंड सो आई ऑल्सोट दैट सोनू सुबानी दैट यूर गोइंट है फ्रूटफुल मिनिस्ट्री और इवन दैट यूर ग और मैं इस बात को मान के चलता हूं कि आप और सोनू और सुबानी आप लोग भी आपका खुद का विश्वास और आपकी सेवा मैं नहीं मान के चलता हूं कि यह हमेशा के लिए बना रहेगा बट फॉस एस थ्री थिंग्स दैट यू मस्ट डू

मोर देन योर ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट थिंग्स और बहुत सारे uh, uh, कार्यक्रम का आयोजन से बढ़कर more than your personality, आपके अपने व्यक्तित्व से बढ़कर more than your popularity, आप कितने प्रसिद्ध हैं उससे बढ़कर watch your life. इन सारी बातों से बढ़कर तू अपने जीवन को देख पॉलिस वॉच यूर लाइफ क्लोसली इनफैक्ट लिखा कि बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से तू अपने जीवन को देख You know, more important than anything that you do is who you are as people a person. People are watching you. Even more now after today, once you're officially Pastor Sonu, people are going to be watching you. Or pastor के तौर आपको करने के Sonu People are watching where you live. और लोग uh, लोग देखेंगे कि आप कहाँ रहते हो पीपल आर वॉचिंग योर फैमिली लोग आपके परिवार को देखेंगे पीपल आर वॉचिंग योर चिल्ड्रेन लोग आपके बच्चों को देखेंगे पीपल आर वॉचिंग हु यू आर टॉकिंग टू लोग ये देखेंगे कि आप किन से बातें करते हो पीपल आर वॉचिंग वॉट यू ईट लोग देखते हैं कि आप क्या खाओगे Right, people are watching how you dress. लोग देखते हैं कि आप कपड़े कैसे पहनते हो. Right, somebody has said your actions are speaking so loudly, I can't, I can't even hear what you're saying. एक कहावत है कि जो आप Uh, कर रहे हो वो इतना ऊंचा है कि जो आप बोल रहे हो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ right, मतलब कर्म होते हैं वो हमारे शब्दों से ज्यादा असर डालते हैं। हैं और लोग लोग देख रहे इससे बढ़कर ये सत्य है कि परमेश्वर देख रहा है वॉच योअर लाइफ इसलिए पहला पॉइंट पहली जो शिक्षा है अपने जीवन को देखो थ्री बिग टेम्पटेशन फॉर एवरीबडी स्पेशली वेप्स इंक्लूडिंग फास्टर्स सब के लिए तीन ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें हम गिर सकते हैं विशेष रूप से पास्टर्स के लिए पादरियों के लिए तीन ऐसी चीजें हैं एंड मनी एंड पावर और सबसे पहला है महिलाएं और दूसरा पैसा और तीसरा पावर या ताकत वीव सीन फास्टर आफ्टर फास्टर आफ्टर फास्टर फॉलोइंगी बींग डिस्ट्रॉइड बिकॉज ये आर नॉट वॉचिंग लाइफ और हमने एक के बाद एक के बाद एक हमने पास्टर्स को गिरते हुए देखा है क्योंकि उन लोगों ने अपने खुद के जीवन पर नजर रखना बंद कर दिया एंड सो आई वॉन्ट जस्ट मैं लाइफ आई थिंक यू शुड कीप अ क्लोज आई ऑन और दस चीजें हैं जो आप अपने जीवन में विशेष तौर पर इन दस क्षेत्रों में आप ध्यान दे सकते हैं

फोर्थ थिंग इज हार्ड वर्क और चौथा है मेहनत फिफ्थ थिंग इज गॉडलीनेस और परमेश्वर का भय मानने वाला जीवन थिंग इज इन योर सिक्सरिटी और अगला है ईमानदारी है या सच्चे दिल से गहराई से नेक्स्ट वन इज पैशन फॉर गॉड और अगला है परमेश्वर के लिए जुनून या जोश द नेक्स्ट वन इज लव कंसर्न केयर फॉर पीपल और अगला है लोगों के लिए प्रेम Next one is prayerfulness. And the last one is excellence, doing everything to the best of your ability. उत्तम उत्तम and I think you can summarize all of these things by basically saying, living for God. Right? Somebody has said living for an audience of one. Uh, किसी की परवाह नहीं करते आप केवल एक आदमी के लिए जीते हो वो है परमेश्वर इवन इफ देर बिग ऑडियंस ऑफ हंड्रेड ऑफ पीपल दैट कम मे बी एवरी सनडे टू हियर यू स्पीक यू डोंट केयर अबाउट दैट ह्यूज क्राउड यू केयर अबाउट द मेन पर्सन इन दस हो सकता है सैकड़ों लोग आपके चर्च में आएंगे और आपको देखेंगे लेकिन तो भी आप उनके लिए नहीं आप परमेश्वर के लिए जियेंगे सो फर्स्ट थिंग सोनू प्लीज वॉच योर लाइफ क्लोसली और पहली बात सोनू आप अपने जीवन को बहुत ही नजदीकी से अपने जीवन पे नजर रखें सुबानी आप भी जीवन को बहुत करीबी से बहुत नजदीकी से अपने जीवन पे नजर रखें इट thousand मैटर come पीपल कम टू or और people पीपल कम टू church. Watch your लाइफ क्लोजली फर्स्ट एंड foremost। आपके चर्च में सौ लोग हजार लोग आए या दस लोग आए आप अपने जीवन पे नजर रखें ये बहुत जरूरी है सेकंड थिंग पॉल सेज और दूसरी बात जो पॉलस कहता है इट डजंट से जस्ट से वॉच योर लाइफ ही आल्सो सेज वॉच योर डॉकट्रिन वो ये भी वो केवल ये नहीं कहता तू अपने जीवन पे नजर रख वो ये भी कहता है तू अपनी शिक्षा पर जो तू सिखाता है तो किन बातों पर तेरे सिद्धांत क्या हैं तो किन बातों पे विश्वास करता है तो उस पे भी नजर रख एंड यू नो और उत्तर भारत की कलीसियाओं में हम बहुत कुछ जो जो गलत है में हम हम देखता उनको देखते हैं। in in Haryana, in Delhi, in UP. हम पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी में किस प्रकार की कलीसियाएं चल रही हैं हम अच्छे से जानते हैं ऑन who हैंड coming. एक हाथ में ऐसी कलीसियाएं हैं जहाँ पे हजारों हजारों लोग आते हैं

सबसे अच्छा काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम बस बाइबल का प्रचार वर्ड पास्टर का मुख्य काम होता है वो वचन का प्रचार करे नॉट टू or बिग organize बिग प्रोग्राम्स उसका काम ये नहीं कि वो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन करे या बहुत सारे भीड़ इकट्ठा करे

Right, through thick and through thin, through ups and downs, through good times and bad times. Like I said, I've been in ministry, it's hard for even me to believe more than twenty years now. And I'm quite convinced that ministry is about ninety percent simply perseverance. और मैंने यह सीखा है कि नब्बे प्रतिशत सेवकाई क्या है बस लगे रहो यही है सेवकाई राइट वीक इन out हर हफ्ते हर हफ्ते हफ्ते दर हफ्ते मंथ आफ्टर मंथ हर महीने हर महीने ईयर आफ्टर ईयर एक साल पे दूसरा साल 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 Decade आफ्टर decade दस साल दशक पे दशक लग जाते हैं राइट जस्ट टू कीप persevering और इतना लंबा समय बस करना है, मतलब आगे ही बढ़ते जाना है हिम्मत नहीं हारनी है like और बहुत साल ऐसा होगा कि बहुत साल आ, आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है इट सीम्स लाइक नो इज गेटिंग सेफ ऐसा लगता है कोई उद्धार नहीं पा रहा कोई it's प्रभु में नहीं आ रहा It seems like nobody's growing. It seems like the same problems are there again and again. It seems like even the problems are growing and the good fruit is not happening. Right, Paul says persevere. Paulus I think sometimes you know, leading a church is like Raising a child. और कभी कभी कलिसिया को अगवाई करना एक छोटे से बच्चे को uh, uh, पालन पोषण करने के समान है दर हफ्ते बच्चों के अंदर उन्नति नहीं देखते हैं

और अगर तू इन तीन चीजों को करेगा तो तू फल को देखेगा एंड यू विल ऑल्सो बी सेवर सेल्फ पर्सेज और तू भी बच जाएगा तेरे द्वारा बहुत से लोग भी बच जाएंगे एंड वी आर श्योर वीर फ्योर कॉन्फिडेंट दैट गॉड है हम बहुत इस बात में खुश हैं और हमें पूरा भरोसा है कि परमेश्वर ने आपको इस सेवा के लिए बुलाया है कि 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 परमेश्वर आपको you, कि परमेश्वर आपको आपको इस्तेमाल करेंगे करेंगे आशीषित आपकी सेवकाई के द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएंगे एंड टुगेदर वन डे गोइंग टू रिजॉइस विद जीसस हिमसेल्फ इन एंड एंड सी दूट दैट दैट गॉड है And your ministry. और प्रभु यशु मसीह के सामने उन सारे लोगों को देखेंगे जो आपके द्वारा विश्वास में आए हम आपके सेवकाई के फल को देखेंगे की you know आप जो भी सेवा करेंगे आप जहाँ भी जाएंगे हम आपके साथ हैं that going to support you. हम आपकी मदद करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे We're

उन सब के लिए जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं मे यू रिसीव ऑल द ग्लोरी वी प्रे इन जीसस नेम आपको महिमा मिले यीशु मसीह के नाम में आमेन 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 जय मसीह की जय मसीह की मैं विनती करता हूं कि पास्टर ग्लैडविन और भाई स्वप्निल ऊपर आ जाएं स्टेज पर और सब इस तरफ जहां जिस तरफ मैं हूं इस तरफ आ सकते हैं और मैं भाई सोनू को भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी सामने मंच पे आ जाएं। हम प्रभु के वचन से कुछ पढ़ेंगे पहला वचन है मत्ती इसका अध्याय अठारह से बीस तक यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ दूसरा भाग है पहले तिमोतीस इसका चौथा अध्याय 12 से 16 जिसके ऊपर पास्टर अरविंद ने अभी प्रचार किया मैं फिर एक बार आपके लिए पढूंगा कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए पर वचन और चालचलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा जब तक मैं ना आऊँ तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लवलींद रहे उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था निश्चिंत न रह उन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख इन बातों पर स्थिर रहे क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों हम आज सब यहाँ शारीरिक रूप से और ऑनलाइन माध्यम से हमारे प्रिय भाई सोनू कुमार को दिल्ली बाइबल फेलोशिप गुड़गांव में एक पास्टर के रूप में स्थापित करने और अभिषेक करने के लिए एकत्रित हुए हैं हमारा मानना है कि ये उन्हें कार्य ये कार्य उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा सौंपा जा रहा है इस विधि के लिए हम परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह मांगते हैं मैं सोनू भाई से विनती करता हूं कि वो थोड़ा सा आगे आ जाएं और मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा और अगर आप आप उसका उत्तर देंगे परमेश्वर की मदद से मैं करूंगा भाई सोनू कुमार इस मंडली के सामने क्या आप अपने आप को इस नए पद और नई जिम्मेदारी के लिए समर्पित करते हैं ये जानते हुए कि यह बुलाहट परमेश्वर की ओर से है जो कलीसिया के द्वारा मिलती है जी मैं समर्पित करता हूँ परमेश्वर की मदद से मैं करूंगा परमेश्वर की मदद से मैं करूंगा क्या आप पवित्र शास्त्र के अनुसार वचन प्रचार करेंगे और सिखाएंगे और क्या आप यह दिल्ली बाइबल फेलोशिप के संविधान की अधीनता में करेंगे जी मैं परमेश्वर की मदद से करूंगा क्या आप परमे क्या आप पवित्र पवित्र शास्त्र के अध्ययन में और दूसरों को अनुग्रह दिखाने में परिश्रम करेंगे क्या आप परमेश्वर के लोगों से प्रेम करेंगे उनकी सेवा करेंगे उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उन्हें वचन बपतिस्मा और प्रभु भोज से पोषित करेंगे और पवित्र जीवन और सेवा के अच्छे उदाहरण से उनकी अगुवाई करेंगे जी मैं परमेश्वर की मदद से करूंगा। क्या आप इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनेंगे ताकि आपके द्वारा प्रभु का प्यार इस संसार में दिखे जी मैं परमेश्वर की मदद से बनूंगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको यह सब करने की इच्छा दी है बड़े अनुग्रह के साथ आपको यह पूरा करने में अपनी सामर्थ्य आपको दे और अपनी करुणा आप पर हमेशा बरसाए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन अब मैं जितने भी लोग हमारी कलिसिया के लोग यीशु नाम सत्संग के लोग डीबीएफ के लोग जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो लोग यहाँ पे आमंत्रित हैं मैं आप सब लोगों से सवाल पूछूंगा आप सब भी खड़े हो जाएं और आप सब उसका उत्तर देंगे परमेश्वर की मदद से हम करेंगे परमेश्वर के लोगों क्या आप भाई सोनू कुमार को यीशु मसीह के संदेश वाहक के रूप में स्वीकार करते हो जिसे सेवा करने के लिए आशा और उद्धार का सुसमाचार फैलाने के लिए भेजा जाए क्या आप उसे यीशु मसीह के दास और परमेश्वर के रहस्यों के भंडारी के रूप में स्वीकार करते हैं अगर हां तो आप कहें परमेश्वर की मदद से हम करेंगे क्या आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे उसका सत्कार करेंगे क्योंकि वह वचन का शिक्षक है और सब बातों में एकता बनाए रखने का प्रयास करेंगे अगर हाँ तो आप कहें परमेश्वर की मदद से हम करेंगे, करेंगे। अब मैं विनती करता हूं कि आ, सारे अगवे लोग आ, भाई सोनू के ऊपर अपना हाथ रख कर आ, वो प्रार्थना करेंगे और आप प्लीज़ आके आगे घुटने टेक लीजिए और सबसे पहले पास्टर अरविंद प्रार्थना करेंगे उसके बाद भाई स्वप्निल प्रार्थना करेंगे और बाकी अगवे उनके ऊपर अपना हाथ रख कर उन्हें अभिषेक करेंगे Just going to read a passage of Scripture before I pray. This is Acts chapter 20 verse 28 onwards. It says, Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God which he bought with his own blood. I know that after I leave, savage wolves will come in am among you and will not spare the flock. Even from your own number, men will arise and distort the truth. In order to draw away disciples after them. So be on your guard. Remember that for three years I never stopped warning each of you night and day with tears. And now I commit you to God and to the word of his grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Let's pray. Father God, we thank you for this moment again. Lord, we. I believe that this is a moment that is holy, that was in your plan and perfect purpose from before the creation of the world, that you should choose Sonu to know you, to be your child, to come out of his um, background and his experiences and everything else to. Come to a saving knowledge of the Lord Jesus Christ. At the exact right time, you brought him to yourself. At the exact right time, you called him into ministry, full time ministry. And now, on this day, 12th of July 2020, Lord, you are officially installing him as a pastor. Lord, we believe that uh, you've had your hand, your eye on him uh, from the beginning. Lord, we praise you for this moment that we can all participate, that we've seen his progress and that we've uh, observed his, the fruit that has come out of his life and from his ministry. And Lord, that, um, th that, this, that this moment has been ordained from, for, from you, Lord. And so now we, we install him and commit him into your hands. Lord, we thank you for him. Lord, we ask that you would continue to bless him. Lord, that you would uh, watch over his, his life and his doctrine as we've heard from your scriptures this evening. That you would use him for your glory. That you would bless him in every way. Lord, that you would make his, his uh, ministry, his preaching, his teaching, his counseling, his prayers, his, uh, his life, his interactions, his relationships with people, his preaching of the gospel. Lord, that you would all make it effective, Lord, for your glory, for the spread of your kingdom. Here in Gurgaon, and wherever he goes, Lord, I pray, O oh God, that You would bless Subhani and their whole family together as they minister together. Lord, that You would watch over them, that You would protect him from the evil one. Lord, that You would protect him from evil people who would seek to harm him. Lord, that You would, um, Father God, that You would have Your hand on him in every way. Lord, and that uh, we would rejoice to see how you are using him more and more as the days go by. That as we read, that his, his progress would be evident to all, that we would all rejoice in the, uh, the miracles that you're doing in his life and through his life, Lord. And so we thank you again for him and for Subani, and uh, we install him with this blessing and with this commitment, Lord, uh, into your hands and into your work. And 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 we we give you all 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 the the praise glory again. And we pray all of this in Jesus' name. Amen. हमारे दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु जी आज के दिन हम सोनू भाई के जीवन के लिए आपके उनके चुनाव के लिए उनकी बुलाहट के लिए प्रभु जी और उनकी सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आप अद्भुत हैं और आपके काम अद्भुत हैं और प्रभु जी हमने सोनू भाई के जीवन में देखा है कि आपने कैसे उसे चुना और सेवकाई में बुलाया और प्रभु जी उनको सेवकाई में आगे बढ़ाया प्रभु जी इसमें हम आपके हाथ को देख देखते रहे हैं और प्रभु जी आपकी भलाई और आपकी वफ़ादारी के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी जब वो अपनी सेवकाई में अगले अगला कदम बढ़ाते हैं प्रभु जी अगले स्तर पर जाते हैं हम आपकी आशीष और आपकी दया और आपकी कृपा को प्रभु जी उसके जीवन में मांगते हैं हम जानते हैं प्रभु जी सेवकाई आसान नहीं है लेकिन प्रभु जी कोई भी अपने बल पर इसे कर नहीं सकता तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि सोनू भाई और सुबानी बहन हमेशा प्रभु जी अपनी सामर्थ्य आपसे पाने पाए प्रभु जी उनकी सेवकाई ये उनके और आपके बीच के रिश्ते के कभी भी बीच में ना आने पाए कभी भी बाधा ना बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि सोनू भाई आपको हमेशा अपने जीवन में सर्वप्रथम रखे प्रभु जी आपका और उनका रिश्ता हमेशा हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर अपनी सेवकाई की सामर्थ्य प्रभु जी वो आपसे पाने पाए और प्रभु जी उनको आप आपके वचन में आपके ज्ञान में आपके बुद्धि में आप बढ़ाइए प्रभु जी अपने बल पर अपने बुद्धि पर अपने ज्ञान पर समझ पर डिपेंड नहीं रहने के लिए प्रभु जी आप उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी आपके वचन के भंडार से आप उसे भरिए आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से उसे चलाइए प्रभु जी शैतान की हर बुरी चाल से हर पाप से प्रभु जी आप उसे बचा के रखिए हर घमंड से प्रभु जी आप उसे बचा के रखिए प्रभु जी वो जब कलिसिया के लोगों की सेवकाई करता है चरवाही करता है प्रभु जी वो हमेशा याद रखे प्रभु जी कि आप कलिसिया के मुख्य चरवाहे हैं और प्रभु जी वो आपके अधीनता में जैसे आपने कलीसिया के लोगों के लिए अपनी जान दी सेवा की प्रभु जी वैसे ही वो लोगों से प्रेम करने वाला हो सके उनकी सेवा करने वाला हो सके इसलिए प्रभु जी हम आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को आशीष को प्रभु जी इस भाई के जीवन में मांगते हैं प्रभु जी आप उसकी सहायता कीजिए आप उसे प्रार्थना और वचन का व्यक्ति बनाइए पिता परमेश्वर प्रभु जी उसकी जवानी को कोई भी तुच्छ न समझने पाए आपके वचन में और आपकी प्रार्थना में लवलीन रहकर प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक में आगे बढ़ने वाला हो सके और प्रभु जी आपकी इच्छा और आपकी मर्जी के अनुसार इसकी इसकी सेवकाई को आप प्रभु जी आप फलवंद कीजिए शैतान की हर बुरी चाल से प्रभु जी इसे आप बचा के रखिए आपके वचन में इसे आप मजबूत कीजिए प्रभु जी और इसके सेवकाई इसके द्वारा उत्तर भारत में और गुरुगांव शहर में प्रभु जी बहुत सारे लोगों को आप आपके राज्य में लेकर आइए प्रभु जी आपने कली से इतना प्रेम किया कि अपना अपनी अपना बलिदान दे दिया उसी प्रकार प्रभु जी लोगों की स्वार्थ त्यागपूर्ण सेवा करने के लिए प्रभु जी आप भाई की सहायता कीजिए हम जानते प्रभु जी की इस इस सफ़र में इस सेवकाई उकाई में प्रभु जी उस, उसके सामने बहुत सारी बाधाएं आएंगी कठिनाई आएंगी परेशानी आएंगी प्रभु जी और बहुत सारे समय प्रभु जी वो निराश हो जाएगा और बहुत सारे समय प्रभु जी उसे लोग आ, आ, पीछे खींचेंगे और दबाए दबाएँगे प्रभु सिचुएशन में हम आपकी आपकी हिम्मत को आपके सामर्थ्य को आपकी इनक्रेजमेंट को भाई के जीवन में मांगते हैं उस अकेलेपन में प्रभु जी वो आपकी उपस्थिति को आपकी प्रेजेंस को हमेशा फ़ील करने वाला हो सके वो कभी भी प्रभु जी अकेला महसूस ना करने वाला हो सके लेकिन प्रभु जी आपके रिश्ते के साथ वो आपसे सामर्थ्य पाकर अपनी अपनी सेवकाई में प्रभु जी फेथफुली और वफादारी से जी अपनी दौड़ को पूरा करने वाला हो सके इसलिए प्रभु जी आप उसकी सहायता कीजिए हम जानते प्रभु जी हमने वचन में भी सुना बहुत सारे लोग प्रभु जी बहुत अच्छे से शुरू करते हैं प्रभु जी लेकिन बहुत कम लोग अच्छे से खत्म करते हैं प्रभु अपनी अपनी दौड़ को फिनिश करते हैं प्रभु जी प्रभु जी हम चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपकी पवित्र आत्मा सोनू भाई के साथ हमेशा रहे और उसे अपनी दौड़ को अच्छी तरह से तरीके से खत्म करने के लिए प्रभु जी आप उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी उनके जीवन के द्वारा उनके चाल चलन के द्वारा उनके व्यवहार के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु जी आपको जानने वाले हो सके और प्रभु जी उसके द्वारा लोग उनके जीवन के बदलाव को देखकर प्रभु जी अपने आ, अपने अपना जीवन प्रभु जी आपको समर्पित करने वाले हो सके ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके सारा सारा आत्मिक जीवन का सफ़र प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं उनका चरित्र प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में ढलते जाए प्रभु जी और ये सारा सफ़र प्रभु जी वो आनंद के साथ और खुशी के साथ प्रभु जी करने वाले हो सके उनकी सेवकाई प्रभु जी उन्हें कभी भी बर्डन ना हो प्रभु जी बोझ ना हो पिता परमेश्वर लेकिन आपके उनके प्रेम के रिश्ते के द्वारा प्रभु जी वो उसमें आनंद के साथ और खुशी के साथ प्रभु जी इस काम को करने वाले हो सके इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके आगे के जीवन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं आप उनके साथ बने रहिए आप उनका आप उनकी उंगली पकड़ के चलाइए पिता परमेश्वर और इस परिवार को प्रभु जी आपकी महिमा के लिए आप इस्तेमाल कीजिए इस भाई को और बहन को प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पित कर दे देते हैं ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अमेन So, Brother, Brother Sonu Kumar, the office of Assistant Pastor of Delhi Bible Fellowship, Gurgaon, is now committed to you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless you. इस मौसम में हाथ मिलाना खतरनाक है <laughs> कोई बात नहीं <laughs> अब हम सिस्टर सुबानी ऊपर बुलाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सोनू अपनी पत्नी के सहयोग और प्रार्थना और उनके साथ अगर वो नहीं खड़ी रहेंगी तो पास्टर सोनू अपनी सेवा नहीं कर सकते और इसलिए हम एक परिवार के रूप में इस परिवार को पास्टर सोनू को सिसु सुबानी को हम परमेश्वर को सेवा के लिए समर्पित करना चाहते हैं और अभी हम चाहते हैं कि सिसु सुबानी भी ऊपर आएं और इस समय हम पास्टर ग्लैडविन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस परिवार के लिए दुआ करें और इस पूरे परिवार को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करेंगे तो आप दोनों फिर से आएँ और अपने घुटनों पे हो जाएं और हम सब आपके लिए दोबारा से प्रार्थना करेंगे और परिवार के रूप में हम इनको परमेश्वर की महिमा के लिए और सेवा के लिए और उनके राज्य के लिए समर्पित करेंगे सब लोग फिर से आ जाएं और हम सब आप लोग भी अपना हाथ बढ़ा सकते हैं और एक पारिवारिक आशीष हम इनको दे सकते हैं प्यारे परमेश्वर हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पास्टर सोनू जो हमारे भाई भी हैं और बहन सुबानी को आपने अपने पुत्र को जानने और उनको अपने मसीहा स्वीकार करने का एक बहुत ही बेहतरीन ऑपरचुनिटी दिया और उसके बाद उनको आपने अपनी सेवकाई में उनको बुलाया और उनको सामर दिया और उनको एक दिशा दी और इस कलीसिया से जोड़ा और अनेक तरीके से इन दोनों को इस परिवार को आपने इस्तेमाल किया और कर रहे हैं और अब हम इस परिवार को आपको समर्पित करते हैं कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें ऐसे सामर्थ्य ज्ञान बुद्धि प्रेम दें कि ये आपकी महिमा और आने वाले जो भी कलीसिया में ये जुड़ेंगे और जो भी कलीसिया से जुड़े हैं कि उसका बड़ उसकी बढ़ोतरी हो ए, इस तरीके से कि प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा और ऊंचा हो और प्रार्थना करते हैं कि आप इनको बुराई पाप और शैतान के कुकर्मों से दूर रखें और बचाएं और प्रार्थना करते हैं इनके बेटे के लिए भी कि वो आपको जाने और आप में बढ़े और प्रार्थना करते हैं कि जैसे जैसे ये सेवकाई करें इनका प्रेम आपके लिए और एक दूसरे के लिए और अपने परिवार के लिए और कलीसिया के लोगों के लिए और जो कलीसिया के बाहर भी है उनके लिए इनका प्रेम बढ़ते रहे और ये प्रार्थना सब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप खड़े हो सकते हैं और अब मैं चाहूंगा कि ब्रदर स्वप्निल जो हमारी कलीसिया के अगवे हैं एल्डर हैं हम चाहेंगे कि वो इस परिवार को एक तोहफा दें और वो वहां पे है और आप इस को खोल के आप सबको दिखाएं और सबको इसकी एक एक कॉपी आप दे सकते हैं ताली बजा सकते हैं आप सब लोग भी आगे आ जाएं एक लाइन में और भाई सोनू आपको भी दे देंगे सब आ जाएं आगे <laughs> ये एक बुकमार्क है और आप इसे अपनी बाइबल में डाल सकते हैं शायद थोड़ा बड़ा है बाइबल के हिसाब से बट बड़... आप बड़ी बाइबल खरीद सकते हैं इसको डालने के लिए ठीक है और जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं यशुनाम सत्संग के लोग और बाकी लोग हम आप सबको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इस सभा में हमारे साथ जुड़े और बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकाला लेकिन आप लोग प्रार्थना करें पास्टर सोनू के लिए कि वो अपनी सेवकाई में परमेश्वर उनको बहुत इस्तेमाल करें और जैसे आज उन्होंने और हमने सीखा कि वो अपने जीवन पे नज़र रखें अपने सिद्धांत पे नज़र रखें और वो संघर्ष करके अपनी सेवा में आगे आगे बढ़ते जाएं। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सबको जो ऑनलाइन जुड़े हैं और हम अंत में केवल सोनू भाई को यह समय देंगे कि वो दो मिनट अगर कुछ कहना चाहते हैं उसके बाद हम प्रार्थना के साथ आज की ये सत्संग समाप्त करेंगे Uh, मैं बस थैंक यू कहना चाहता हूँ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर का कि uh, उसने मेरे जीवन में ये समय लेकर आए और इतने सालों तक परमेश्वर ने मुझे चलाया है संभाला है और uh, आज के दिन में मैं आप सबकी जो ऑनलाइन देख रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं आप लोगों की प्रार्थना प्रार्थना इसमें शामिल है आप लोगों का प्रोत्साहन इसमें शामिल है आप लोगों का सहयोग इसमें शामिल है और हमें हिम्मत मिलती है जब आप लोगों के साथ बैठ के आ, हम सिखाते हैं उन आप लोगों की प्रार्थनाएं हम सुनते हैं आप लोगों की उन्नति हम देखते तब हमारी उन्नति हम अपने आप में देखते हैं सो so, मैं आ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ पास्टर अरविंद पास्टर ग्लेडविन पास्टर जॉय को खास करके प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ स्वप्निल so, भैया आप सबको और सब लोग देख रहे हैं मैं तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूँ और बस ये विनती करता हूँ कि आने वाले समय में जो ज़िम्मेदारी मैं संभाल रहा हूँ उसमें मैं खराई से चलते हुए परमेश्वर के भय में चलते हुए मैं इसे पूरा कर सकूं इसके लिए आप सब हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें थैंक यू और ब्लेस यू ओके आइए अपने सरों को झुकाएं और हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और हम समाप्त करेंगे प्यारे पिता आप सचमुच कितने भले हैं हमारे जीवन में आपके द्वारा नियुक्त किए दिन प्रभु जब पूरे होते हैं हम सचमुच आपकी भलाई को देख सकते हैं आज तक प्रभु आप वफादार रहे प्रभु सच में आपने सोनू भाई को हम सबको शून्य से उठाकर जहाँ पे हैं पहुँचाया और प्रभु आपने हम आगे भी आप हमें लेके जाएंगे ये हमारा विश्वास है धन्यवाद कि आप इतने भरोसे योग्य हैं कि हम आप पे लीन कर सकते हैं हमें जब कुछ समझ में नहीं आता हम आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि बेहतर है आपकी योजनाएं बेहतर हैं परमेश्वर इस संसार में आपने जितने दिन हमें दिए हैं हमारी मदद कर हम सेवा में हम प्रेम में प्रभु हम फेथफुली हम आगे बढ़ सकें जो कुछ आप चाहते हैं हमारे जीवनों से हो वो हम करने वाले हो सकें प्रभु हर एक को अपने और ज़्यादा अनुग्रह से भर दे आपके भेद को समझने के लिए आपके स्वर्ग के बड़ी बड़ी बातों को समझने के लिए हमारी मदद कर ताकि इस संसार के चकाचौंध में भी हम तेरी बातों को हम मूल्यवान समझ सकें प्रभु जी प्रभु सच में तेरा तेरा ज्ञान तेरी बातें तेरा सत्य सोने चांदी से बढ़कर है होने दे प्रभु हम अपने दिल से आपसे प्रेम करने पाए और इसके लिए पवित्र आत्मा तू हमारी मदद कर आज के सुंदर विधि के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं ऑनलाइन जुड़े हुए सब लोगों को तू आशीष दे और हम हम में से हर कोई अपने आज को अपने आप को आज आपके राज्य के लिए फिर से दोबारा समर्पित करने पाए प्रभु हमारी मदद कर हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह परमपिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सोनू के साथ सुबानी के साथ और हम सब के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होता रहे आमीन जय मसीह की। थैंक यू बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेज द लॉर्ड